नमस्कार, श्रावस्ती तक न्यूज से। श्रावस्ती जनपद में भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आज मिशन शक्ति फेज 3 कार्यक्रम का आगाज किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला पंचायत अध्यक्ष ददन मिश्रा और डीएमटी के सीबो ने की। 31 दिसंबर 2021 तक चलने वाले तीसरे चरण में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन पर जोर दिया जाएगा। आपको बता दें कि मिशन शक्ति के पहले चरण की शुरुआत अक्टूबर 2020 में हुई थी। कार्यक्रम में सबसे पहले लोगों को लखनऊ से लाइव प्रसारण दिखाया गया, जहां पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के ऑडिटोरियम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की। इस अवसर पर 75 महिलाओं को मिशन शक्ति के तहत सम्मानित भी किया गया। वहीं भिनगा स्थित कलेक्ट्रेट तथागत हाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान महिला ग्राम प्रधान बीडीसी एवं महिला जिला पंचायत सदस्यों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला कर्मियों, स्वयं सेवी संगठन, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। मिशन शक्ति के तीसरे चरण में बालिकाओं एवं महिलाओं को आधारभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। जननी सुरक्षा योजना, संस्थागत प्रसव एवं सुरक्षित मातृत्व का पैसा समय से लाभार्थियों के खाते में भेजने के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले में महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती भी की गई है। इसके साथ ही थानों में पिंक टॉयलेट का निर्माण भी कराया जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष ददन मिश्रा ने पुलिस की तरफ से शक्ति मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो महिलाओं को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। नारी सशक्तिकरण के इस दौर में भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी क्रांतिकारी मिशन शक्ति योजना के तीसरे चरण का आज शुभारंभ उत्तर प्रदेश की धरती से ही मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल और भारत सरकार की माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में आज तीसरे चरण का मिशन शक्ति का शुभारंभ हो रहा है। और मैं समझता हूं कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। और जब से उत्तर प्रदेश में कर्मयोगी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और जैसा कि हमने अपने संकल्प पत्र में भी संकल्प व्यक्त किया था कि नारी सुरक्षा और महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का स्वावलंबन, इस दिशा में बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही हैं। और ये मिशन शक्ति का तीसरा चरण महिलाओं के स्वावलंबन की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके चलें। इसका अभी एक ताज़ा तरीन उदाहरण में विगत में उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए पंचायतों के चुनाव में देखने को मिला है। 33% का यहाँ महिला आरक्षण लागू है, बावजूद इसके अबव 50% 50% से अधिक महिलाएं जो है पंचायतों के विभिन्न चरणों में चुन करके आई हैं। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है। ये हमारी सरकार की नीतियों का प्रतिफल है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में जो है पुरुषों की बराबरी करने के लिए सक्षम हैं, स्वावलंबी बन रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 विभागों के साथ जो है विभिन्न कार्यक्रम करने, हमको 130 दिन के लगभग 31 दिसंबर 2021 तक चलेंगे, जिसे महिला सशक्तिकरण और बाकी अन्य जो उनके सेल्फ डिफेंस के लिए और साथ में जो गांवों में और साथ में जो शिक्षा के क्षेत्रों में उनके जो योगदान और बाकी लोगों को जो है सम्मानित भी करेंगे हम लोग, और साथ ही साथ जो है उनके अपने दायित्व का और फिर उनके जो अपने हकों का जो है उनको जानकारी दी जाएगी और उनको जो सशक्त बनाया जाएगा। आज मिशन शक्ति फेज 3 का आगाज हुआ है, जो 31 दिसंबर तक चलेगा। इसमें महिलाओं को, बच्चियों को, जो जिले में, गांव में, दूर दराज में रह रही हैं, उनको जागरूक करना है, ये मिशन है। और इसके अलावा जो उनको जो इस प्रकार के अपराध होते हैं उनका चिन्हीकरण करके अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई और
जो पूर्व के अपराधी हैं उनका सत्यापन करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करना, ये मिशन शक्ति के उद्देश्य हैं। हम लोगों ने एक शक्ति मोबाइल भी आज चलाई है जो पूरे जनपद में दूर दराज गाँव में हर क्षेत्र में जाएगी, उसमें महिलाएं रहेंगी, वो उनको जागरूक करेंगी, काउंसलिंग करेंगी और यथासंभव मदद करेंगी। कृपया हमारे YouTube न्यूज़ चैनल श्रावस्ती तक को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।